हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, एपिक्स लेजेंड मोबाइल का जो नेक्स्ट ओपन बीटा है उसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने के लिए मिलने वाला है। इनडायरेक्टली बोलूं तो गाइस, क्या कुछ ऐसे नए फीचर्स और क्या कुछ नया मतलब चेंज हमें देखने के लिए मिलने वाला है अपने नए अपडेट में जो कि आने वाला है। अभी का सब कुछ आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, एपिक्स लेजेंड मोबाइल का जो ओपन बीटा है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बोल सकते हो उसे, क्योंकि गाइस ये ओपन बीटा है और अभी तक इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। और अभी तक सबसे ज़्यादा डिले करने वाला अपडेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम अभी तक इसी में ही लगा है। और गाइस मैं बता दूं कि भाई जब ये अपडेट आएगा तो काफ़ी कुछ चेंजेस और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलने वाला है इस अपडेट के अंदर। तो गाइस सबसे पहला जो अपडेट में मैं आपको बता दूं जो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा वो गाइस होगा यूआई को लेकर। हाँ गाइस, बिल्कुल यूआई पूरी तरीके से चेंज हो गई होगी। जो अपनी लॉबी की यूआई है, अपने जो फीचर्स हैं जिस तरीके से दिखते हैं, उनका पूरा यूज़र इंटरफेस चेंज हो चुका है अपने नेक्स्ट अपडेट में। काफ़ी कुछ चेंजेस हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें दूसरे फीचर की, तो दूसरा फीचर नहीं बल्कि इम्प्रूवमेंट है वो ये कि गाइस पिछला जो प्रीवियस बीटा था, जिन लोगों ने खेला था भाई, जिन लोगों को एक्सेस मिली थी, वो काफ़ी सारे लोग भाई एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने भाई मतलब ट्वीट करके बताया भी था, वो ये था कि जो स्पीड थी काफ़ी स्लो थी गेम की। गाइस बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्लो गेम था अगर हम कंपेयर करते अपने पीसी वर्जन या फिर अपने एक्सबॉक्स वर्जन या फिर अपना पीएस प्लेस्टेशन वर्जन से। तो गाइस इसको कंपनी ने ध्यान से सुना भी है और गाइस मतलब पिछली बार ही रिप्लाई दे दिया था कि भाई जो अपना अपडेट आने वाले हैं फ्यूचर में, जो भी अपडेट आएंगे उसमें स्पीड फिक्स कर दी जाएगी। तो अभी मतलब गाइस जो अपना ओपन बीटा है उसमें हो सकता है कि अपनी जो स्पीड थी वो बिल्कुल फिक्स हो गई हो और बिल्कुल पीसी की तरह आपको बिल्कुल फास्ट गेम प्ले अपना नेक्स्ट ओपन बीटा में देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा गाइस जो बात करें अपने अगले चेंज की, तो वो भी इम्प्रूवमेंट में ही आएगा। इम्प्रूवमेंट बल्कि ये बोल सकते हो कि अपने जो प्रीवियस बीटा में जितने भी बग थे भाई, जैसे कि आदमी ज़मीन के नीचे घुस जाता था, मतलब नेटवर्क कनेक्शन ढंग से नहीं आते थे काफ़ी बार भाई, मतलब जो ओवर पावर गन थी जैसे कि अपनी मैस्टिफ जो कि शॉर्ट गन थी, ये सभी कुछ मतलब बैलेंस कर दिए बिल्कुल। और जो बग्स थे, जो इशू थे, वो सब कुछ फिक्स कर दिए। जो भी ग्लिच थी वो सब कुछ फिक्स हो गई हैं। अभी नेक्स्ट अपडेट में और ग्लिच हमें फेस होती हैं तो भाई वो फ्यूचर में फिक्स हो जाएंगी। इसके अलावा गाइस बात करते हैं कि अपने नेक्स्ट ओपन बीटा में क्या कुछ नया देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस किंग्स कैनियन मैप 100% कंफर्म है, बीआर का नया मैप हमें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कुछ लेजेंड्स भी नए मिलेंगे देखने के लिए, जो कि गाइस अभी नाम कन्फर्म नहीं है, लेकिन लेट सी जब गेम आ जाएगा तो हमें कन्फर्म हो जाएंगे कौन से नए लेजेंड्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस ये कुछ नए मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट ओपन बीटा के अंदर, ये कुछ नया स्टफ़ है जो कि मिलेगा। प्लस गाइस जो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्प्रूवमेंट है वो ये है गाइस कि ग्राफिक्स, अभी तक गाइस मतलब ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थे, काफ़ी गेम लैगी था भाई, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, इतना ऑप्टिमाइज नहीं था, लेकिन ओपन बीटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है ग्राफिक्स को लेकर। अभी गाइस लो डिवाइस है उसमें भी गेम ये सपोर्ट करेगा, जहाँ तक है गाइस बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें गेम पिछली बार सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन गाइस इस बार अगर आपके डिवाइस सही है, सच में मतलब एक रेलेवेंट बोल सकते हो आप, मतलब रेलेवेंट आपका डिवाइस है, सही स्पेसिफिकेशन है, तो आपके में 100% गेम सपोर्ट करेगा। अगर बिल्कुल ही लो ग्राफिक्स हैं तो गाइस मतलब बोल सकते हो, अगर बिल्कुल ही लो स्पेसिफिकेशन हैं आपके डिवाइस के अंदर तो गाइस मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन अगर सही स्पेसिफिकेशन है तो आपके में इस बारे में गेम चल जाएगा और काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। और हो सकता है गाइस आपको 60 FPS भी देखने के लिए मिल जाए हाई डिवाइस में, जैसे कि हाई जो स्पेसिफिकेशन वाले डिवाइस हैं उनमें तो ऑफकोर्स देखने के लिए मिलेगा 60 FPS, लेकिन गाइस जो लो डिवाइस हैं उनमें भी काफ़ी हद तक मतलब 60 FPS अनलॉक हो ही जाएगा इस वाले अपडेट में। तो ग्राफिक्स को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ इस बार, और गाइस जब अपडेट आ जाएगा तो और अच्छे से पता चल पाएगा कि भाई किस तरीके का मतलब इम्प्रूवमेंट है और किस तरीके से मतलब प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर पाएंगे। तो गाइस ये कुछ हाईलाइटेड मतलब फीचर्स आप बोल सकते हैं जो कि नेक्स्ट अपडेट में हम देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि गाइस बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो थोड़ा वेट करते रहिए, कोई न्यूज़ या फिर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप पसंद आई होगी, लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।